गरम पानी इसमें डाल लेना है। कब करना है आप जितना का सकते उतना कर देना है। रख जो है जिंजर जो कट के रखा है इसको आपको पीस लेना है। तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू ली तोको ब्लॉग्स। तो गैस आज आप लोगों को हमको थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने अपना बाल काट दिया है, इसलिए कुछ लुक्स मेरा इस तरह से थोड़ा देख रहा है। और गैस आज कुछ बनाने जा रहा है थोड़ा लोकल, जो कि है सिल्क वर्म। उसे हम लोग अरुणाचल में बहुत ही शौक से खाया जाता है और उसे ईड़ी फूक भी कहा जाता है। और आज उसे आप लोगों को बना के दिखाएगा कैसे बनाता है और सिंपली वर्ल्ड वो भी लोकल स्टाइल में। और गैस इसको आप लोगों को जो सिल्क वर्म है जो है ईड़ी फूक, इसे आप लोगों को ईटानगर नाहरलगुन मार्केट में अवेलेबल है। और इसका जो फार के जी है 500 है, और अगर आप हाफ किलो लेता है तो आपको 250 चार्ज लग जाएगा। और गैस इसे फ्राई करके भी खा सकता है, बहुत अच्छा होता है। और लेकिन बॉयल में ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन मिलेगा। और गैस जो हम लोग का सिल्क वर्म है जो कि रिपू, इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा भी मिलता है। हम लोग का जो बदन है, हम लोग का जो बदन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है ये। और हम लोग को जो फ़ायदा मिलता है जो सिल्क वर्म से वो है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम और सोडम और विटामिन V1, V2 एंड V3 मिलता है। तो गैस चलो मेरा वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस ये है सिल्क वर्म जो है ईड़ी फूक, आप देख सकते हैं। तो इसको हम ये बाटी में निकल चुका है, इसको अभी गर्म पानी से धोएगा और एक चम्मच ये नमक का साथ में इसको धोएगा, क्योंकि नमक का साथ इसको धोने से पूरी तरह से ये सफ़ा हो जाता है। तो आप इसको धोएगा, आपको सबसे पहले गर्म पानी इसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपको नमक एक चम्मच आपको डालना है। तो इसको थोड़ा से एक मिनट बैठने देना है उसका बाद, और ये नमक जो डाला है या पानी का साथ इसको डो लेना है। तो इसको एक मिनट अभी रहने देना। तो गैस उसका बाद आप ये अदरक जो है जिंजर जो कट के रखा है इसको आपको पीस लेना है। और ये चिली मर्चा, मर्चा आप जितना खा सकते हैं उतना आप पीस के लगा सकते हैं। तो इसको अभी पीसेगा। ये जो धो चुका है और पूरी तरह से अच्छा से धोआ है, और आप लोग भी इसको अच्छे से धोना है, नहीं बॉयल नहीं होने का इसको अच्छे से धो लेना है। और कैसे है जिंजर और ग्रीन चिली जिसको हम पीस चुका है, और कैसे ये है ड्राई बैम्बू शूट तो इसको भी अभी डालेगा। तो कैसे ये है लीव जो है पट्टा, तो इसको जंगल से तोड़ के लाया है। तो पट्टे में आप ऐसे रखना है इसको अच्छे से। और ये है हम लोग का जिंजर, अदरक और ग्रीन चिली मर्चा। और उसके बाद आप ये बैम्बू शूट, ड्राई बैम्बू शूट का करना है, आप जितना का सकते उतना का करना है। थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। और उसके बाद आपको स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा ले लेना है, ऊपर में डाल लेना है। उसके बाद इसको फोल्ड मारना है। पट्टा में अगर आप कुक करता है तो वो टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा।
कुछ इस तरह से है। तो गैस देखते हैं, आप इसको बांध लेना है रस्सी से, लेकिन मेरे पास रस्सी नहीं है, तो आप ये जो फोल्ड किया होगा नीचे से रख के सब घुसा लेना है। तो उसके बाद आप ये वाटर डालना है, पानी इसको अच्छा से अभी कुक होने देना है 10 मिनट्स तक, अच्छी तरीके से उबलने देना है। तो 10 मिनट्स के बाद आपको दिखाएगा इसका कैसा होगा। तो गाइस पक्के तैयार हो गया, कुछ इस तरह से है। तब इसको थाली में निकालेगा, तो कुछ इस तरह से बन गया है, कुछ इस तरह से है।